ओम शांति। बाबा हम सभी के लिए पवित्रता की गिफ्ट लेकर आया है और उसने हमें आदेश दिया, तुम अपनी आंखों को सिविल बनाओ। वो हमें सिविल चक्षु देने आया है। संसार में हर व्यक्ति के नेत्र क्रिमिनल हो गए हैं। वो देह को देखता है, देह की ओर आकर्षित होता है। दैहिक दृष्टि रहने के कारण उसके विचारों में भी वासनाएं समाई रहती हैं। हर मनुष्य की नज़र से, हर मनुष्य के मस्तक से गंदगी के वाइब्रेशन से चारों ओर फैलते हैं। लेकिन बाबा की ये श्रेष्ठ इच्छा है कि हमसे चारों ओर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलें, ताकि हम प्रकृति को पावन कर सकें, ताकि हम वातावरण में पवित्र वाइब्रेशंस फैला सकें, ताकि हम देवकुल की आत्माओं को जगा सकें। क्योंकि जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ती है, देवकुल की आत्माओं में भी प्योर संस्कार इमर्ज होते हैं। पवित्र आत्माओं की ओर उन देवकुल की आत्माओं का आकर्षण होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा महत्व देना है अपनी प्योरिटी को, अपना अभ्यास इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि हर एक के मस्तक में हमें चमकती हुई पवित्र आत्मा ही नजर आए। यद्यपि दिखाई तो देह देता है, लेकिन हम उस चीज़ को देखें जो अदृश्य है, हम उसे देखें जो इन आँखों से नहीं दिखती, और इस तरह अपनी प्योरिटी की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चलें। ये समय ही ऐसा है जब इस संसार को और प्रकृति को हमारे प्योर वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। और हम सभी को ये भी ज्ञात हो कि पवित्र आत्माओं पर ही भगवान का प्यार बरसता है। पवित्र आत्माएं उसको आकर्षित करती हैं और उसका ध्यान भी उन आत्माओं की ओर बहुत रहता है, क्योंकि पवित्र आत्माएं इस सृष्टि का श्रृंगार हैं। तो सारा संसार जो कुछ देखता है, हमें वो सब कुछ नहीं देखना है। हमें तो वो सब कुछ करना है जो अब बाबा की इच्छा है। तो बहुत मन से, सच्चे मन से हम संकल्प कर लें, हमने पवित्रता का मार्ग स्वेच्छा से चुना है, यही अब हमारा मार्ग है, इस पर ही हमें निरंतर चलना है। हमें इसमें कोई समझौता नहीं करना है, भले ही संसार कितना भी गंदा हो। माँ बाप भी इसके लिए बहुत जोर देते हों, क्योंकि वो तो इसे अपना वर्षा समझते हैं, वो तो इसे अमृत समझते हैं। पर भगवान ने कह दिया, ये काम महाशत्रु तो विष तुल्य है, इसने ही तुम्हारे जीवन को जहरीला बनाया है, अब इस अंतिम जन्म में तुम इसका त्याग कर दो। तो अपने में दृढ़ता ले आए कि हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार चल रहा है। अनेक युवक और युवतियों को भी आप देख सकते हैं जो काम वासना के वश होकर अपने जीवन को नरक तुल्य बना चुके हैं, जिनके पास न अब शांति है, न सुख है, न ग्रस्त जीवन का आनंद है, न विकारों का ही सुख है, न ईश्वरीय सुख है, सब कुछ जिन्होंने नष्ट कर दिया है। हमें इस मार्ग को नहीं अपनाना है, हमें इससे अलग हट जाना है। संसार में अनेक युवक युवतियां गंदगी के मार्ग पर अग्रसर हैं। वो प्यार को ही सब कुछ मानते हैं, जिससे प्यार हो जाता है उसमें वो अंधे हो जाते हैं, और जब 6 मास के बाद ही उन्हें डाइवोर्स दिया जाता है, जब उनके माँ बाप भी उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वो अपने को इस भरे हुए संसार में अकेला पाती है। उसका मन उदासी से भर जाता है और उसके सामने मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहता। तो हम अपने जीवन को ऐसे अंधकार की ओर कदापि न ले चलें। हमारा बहुत महान जीवन है, ये जीवन भगवान के काम आ जाए, ये जीवन संसार के काम आ जाए। अब हमें ऐसा अपने को पावन बनाना है। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और परम धाम में है पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं।
और साथ साथ मुझ पवित्रता के फरिश्ते को अब देव स्वरूप में जाना है, दिव्य जीवन अपना लेना है। तो अपने फरिश्ते स्वरूप को और अपने देव स्वरूप को याद करते हुए बाबा से निरंतर पवित्र किरणें ग्रहण करेंगे। ओम शांति।